बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह, मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, जहां मुस्लिम लीग नून को अपने सियासी फ्यूचर के मसले मसाइल आगे नज़र आ रहे हैं, उनको मसले मसाइल अभी भी दरपेश है, और ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आगे उनका फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने इसको काउंटर करने के लिए ये तरीकाकार अपनाया नहीं है कि किसी तरीके से करप्शन ख़त्म की जाए, बदउनवानी ख़त्म की जाए, बल्कि ये तरीका अपनाया है कि अपने जो सियासी मुखालिफीन हैं उनके खिलाफ भी साजिशें गढ़ने लग जाए। अब क्या साजिश हो रही है, कौन सी साजिश हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मिल बैठकर कोई प्लान तैयार किया है। इस प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी अपने पैनल का। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजामा 92 न्यूज़, बहुत शुक्रिया राव साहब ज्वाइन करने के लिए। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, ये एक तो प्लान होता है कि अपनी गलती मानकर तस्लीम कर अवाम के सामने कहा जाए कि ठीक है गलती हो गई, अगली दफा इस तरह से नहीं होगा, लेकिन एक प्लान होता है कि उल्टा साजिश करने लग जाए, यानी साजिश वर्सेस साजिश कोई नई चीज बन जाती है। मुस्लिम लीग नून भी कुछ इसी तरह का हरबा अपना रही है। निका, कुछ ऐसा ही लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो खुद अपनी सियासी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है, और जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सियासत, उनकी लीडरशिप, और जो उन्होंने 30-35 सालों में जो नाम कमाया था उसका सारा शिराजा बिखरते दिखाई दे रहे हैं, उसको संभालने की बजाय और मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है उसको उससे निकालने के लिए, अगरचे कि आप अपनी सियासत को भी बचाना है, डे टू डे जो मुल्की अमूर है उसको चलाने के लिए भी आपकी अटेंशन चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के सीनियर वुजरा, जिन्हें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, जिनके कंधों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, वो आकर कुछ ऐसी मसरूफियात के अंदर मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद ये है कि अगर हम तो डूबे हैं आपको भी फिर लेके डूबेंगे। मेरा मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। सही, ये गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये मामला जारी था कि मुस्लिम लीग नून ने, जब से JIT की पनामा का स्कैंडल सामने आया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर JIT बनी, और जितनी चीज़ें एस्टेब्लिश होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं, अब मुस्लिम लीग नून के जो एक टीम उनकी बनी हुई है, उन्होंने ये फैसला किया कि अगरचे के हम अपनी पोजिशन को वाजे करने के लिए तमाम हथकंडों का सहारा ले रहे हैं, कौमी वसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनकी हुकूमत के अंदर, वहाँ पर जो चार साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर, जिसमें सेहत, जिसके अंदर पुलिस, जिसके अंदर एहतसाब कमीशन और जंगलात का शोबा खसूसी तौर के ऊपर है, इनके स्कैंडल्स निकाले जाएँ, इसके ऊपर कोशिश की जा रही है और इनको भी डिफेम किया जाए, उस मकसद के लिए वो इसके ऊपर पेशरफ उस वक्त शुरू हुई जब अवामी नेशनल पार्टी, जो कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी तो बराह रास्त नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ कौमी अमूर के ऊपर जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी मुश्किल में घिरे हुए दिखाई देते हैं तो उनकी पार्टी की लीडरशिप की जो एक टून होती है या उनकी एक सपोर्ट होती है, मोरल सपोर्ट, वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहती है, और उसके बाद चंद वफाकी वज़रा के साथ, जिसमें इसहाक डार साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, खकान अब्बासी साहब हैं, उनके साथ उनका बहुत अच्छा लहजोन है, उनके ज़ाती काम भी वहाँ पर होते रहते हैं। उनकी ANP की सेनेटर हैं सितारा याज साहिबा, गुज़श्ता दौर हुकूमत में वो वेलफेयर की सूबाई हुकूमत के वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री थी उनकी वजीर थी, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, और खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही वजीर के खिलाफ भी करप्शन के ऊपर कार्रवाई की, उसने इंक्वायरी शुरू की, तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ा, तो वो बहुत परेशान थी, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत से मदद तलब की कि हमारे खिलाफ बिला जवाज कार्रवाई हो रही, आप हमें हेल्प आउट कीजिए और उसके साथ हम आपको हेल्प आउट करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए थी जिसके बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस्लामाबाद के सेक्टर F61 में वहाँ पर मुसलसल इजलास हो रहे हैं इस सिलसिले के अंदर, वहाँ पर एक यूँ समझ लें कि उस कोठी के अंदर जिसका एड्रेस है 54F है F61 के अंदर, वहाँ पर MQM के एक सेनेटर भी मौजूद होते हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी, सेनेटर सितारा याज साहिबा भी, और कुछ और लोग जिनकी खिदमात हासिल की गई हैं, वो सिविल इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक नहीं है, वो बाहर से जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं उनकी खिदमात हासिल की गई, यकीनन उन्हें बाद में कुछ मुआवजा भी देना पड़ेगा ऑफकोर्स, उनकी खिदमात हासिल करके कुछ दस्तावेजात हासिल कर ली गई हैं। पहली दस्तावेज किससे हासिल की गई है, एहतसाब कमीशन से मुतल्लिक, वो जो मुझे ज़राए ने बताया कि वो ये है कि एहतसाब कमीशन के जो DG हैं जिन्होंने सितारा याज के खिलाफ उन्होंने इंक्वायरी की शुरू कर रखी है, उनकी अपनी तकर्री दुरुस्त नहीं है, कुछ ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लीगल डिपार्टमेंट ने अपनी लीगल ओपिनियन दी है, वो लीगल ओपिनियन जो कि पहले सीक्रेट थी वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी गई है कि एहतसाब कमीशन के अंदर मामला दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एहतसाब कमीशन के अंदर जिस तरीके से तकर्रियाँ हुई हैं
उसके भी एक इंक्वायरी की गई, वो इंक्वायरी रिपोर्ट सीक्रेट थी, वो रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून तक पहुंचा दी गई है। उसके बाद जोगला टास्क था वो महकमा जंगलात से मुतल्लिक था, उसकी भी कुछ दस्तावेजात उसके अंदर, कोई एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की खिदमात भी ली गई हैं, उसकी दस्तावेजात भी वहां तक पहुंच चुकी हैं। अब इसको वन बाय वन प्लान ये किया गया है कि मीडिया पर लाकर पहले इसके ऊपर अनाउंसमेंट की जाए, उसके बाद मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रू एहतसाब कमीशन, जिसके ऊपर इमरान खान हमेशा बड़ा क्लेम करते हैं कि उन्होंने बिला इम्तियाज़ एहतसाब करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर को भी उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके उनसे इंक्वायरी की गई, तो वो एहतसाब का काम कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट किया। उसके बाद शकील दुरानी साहब, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मुल्क भर के अंदर बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर बहुत सी इस्लाहात हुई हैं, उनके आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पुलिस के डिपार्टमेंट से मुतल्लिक कुछ चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। ये वो सारे मामलात हैं जो रात को वहाँ बैठ कर कीमती वक्त दिया जा रहा है, मीटिंग्स की जा रही हैं, एमकेएम के सेनेटर भी साथ हैं, एएनपी भी साथ है, जेयूएफए के कुछ लोगों की खिदमात भी खैबर पख्तूनख्वा में हासिल की गई। मकसद क्या है कि केपी के गवर्नमेंट को डिफेम करना है। ठीक है, हमारी दरख्वास्त ये है वफाकी वज़ीर-ए-आज़म फेडरल गवर्नमेंट से, आप जिस मुस्लिम लीग नून जिस मुश्किल में बहरान से दो चार है, उसको पहले आप विजडम के तहत ऐसा तरीके के साथ उसका जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चीजें एस्टेब्लिश होकर जो सामने आ चुकी हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई कीजिए, और उसके बाद मुल्क जिन मुश्किल से दो चार है, जो मुल्की हालात हैं, जिन मुल्की मौशियत की जो हम बात करते हैं, आप उस पर तवज्जो दीजिए, जो आपका मैंडेट है वो काम कीजिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन हुई है, कुछ स्कैंडल हुए हैं, ए एन पी वहां पर मौजूद है, जे यू आई एफ ए वहां पर मौजूद है, वो चीजें सामने लेके आए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नैब भी मौजूद है, एहतसाब कमीशन भी मौजूद है, एफ आई ए भी मौजूद है, आप वहां पर लेके जाएं। आप इस तरह की कंपेन करके कौमी वसाइल का ज़ाया ना करें, और जो अपना जो आपका कीमती वक्त है, जो आपको मुल्क और कौम की खिदमत पर सर्व करना चाहिए, वो इसके ऊपर जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा राव साहब, चलिए ये तो उसका हो गया एक आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट उसका ये है कि चलिए इसी चक्कर में आवाम को ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जमातें जो अपने आप को अच्छा या बड़ा नेक साबित करने की कोशिश करती हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें गलत है, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। अगर आवाम इसको अपने वोट के जरिए से इस्तेमाल करें, इस इंफॉर्मेशन को ये सिलेक्ट करने में कि कौन उनका आगे चल के लीडर होगा या नहीं होगा, तो इसका पॉजिटिव पहलू भी तो निकल सकता है कि दोनों एक दूसरे के राज खोलने में, राज अफशा करने में लगे हो सकता है। लेकिन हम बड़ी एक अजीब सी मिसाल है, लेकिन वो मैं आपको इस हमारी जो वोट डालते हुए जब याददाश्त होती है किस तरह काम करती है, कि शरकपुर में ट्रेलर उलटता है, आग लग जाती है, 250 लोग जल जाते हैं, 3 दिन बाद ट्रेलर उलटता है, फिर लोग फिर तेल लेने के लिए पहुंचे होते हैं। तो ये इतनी शॉर्ट मेमोरी हमारी ओवरऑल है, तो इसका क्या यानी इम्पेक्ट होगा। जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, एक होता है हिकमत अमली या इलाज, एक होता है, एक होते हैं टोटके, जुबैदा आपा के टोटके जो है। अच्छा, ये टोटके कौन लोग लेके आते हैं? जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, हुकूमत किसी मुश्किल में घिरी हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब घिरे हुए हैं, बड़ा सीरियस इशू है ऑब्वियसली, तो उसमें वो लोग जो अपना कैश कराना चाहते हैं, जिस तरह या साहब अपना केस खत्म कराना चाहते हैं, बहुत से लोग होंगे जो फंडिंग भी ली होगी जिन्होंने, कि जी इतने पैसे दे दें, हमने फ्लां से भी बात कर ली है, फ्लां जगह पे भी हम इसको पब्लिसिटी कर देंगे, कागज़ लेने के लिए इतने पैसे चाहिए, सर ये आ जाते हैं वो नौसरबाज इस टाइप पर ना, ऐसे वक्त के ऊपर जो आपको मुख्तलिफ मशवरे देते हैं और इसके टूट के बता बता के आपको खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन होगा क्या, ये सिर्फ फैसला आने की देर है सुप्रीम कोर्ट का, जो भी आता है वॉट एवर, सुप्रीम कोर्ट को पता है क्या उसने फैसला करना है, जो क्राइम है वो तो बड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अगर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी तरीके रह भी जाते हैं, उनके केसेस ट्रायल में चले जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है कि वो रह जाएँ, तो फिर भी जिस दिन फैसला आएगा ये सारे ख़त्म हो जाएंगे टूट के, इसकी तरफ तवज्जो किसी ने नहीं देनी, वो अपने उनको पड़ जानी है कि प्राइम अब केसेस को कैसे फेस करें, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, चंद महीने रह गए इलेक्शन में, जब इलेक्शन कंपेन आएगी, निगरान हुकूमत होगी, कौन केसेस को फॉलो करेगा, कौन इनको पीछे जाएगा, इनकी पब्लिसिटी कौन करेगा? सरकारी फंड से तो कर सकते हैं आप ये सारा कुछ, लेकिन जेब से जब खर्च करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून या कोई भी जमात हो, वो जेब से अपनी पब्लिसिटी तो करेगी, लेकिन किसी के खिलाफ पब्लिसिटी करने के लिए वो शायद इतने पैसे फंड स्पेयर ना करे। तो ये उस वक्त तक है जब तक सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन इस पर नहीं कर लेते। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर देगी, अगर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा यानी चांसेस लग रहे हैं बाहर जो एविडेंस सामने आ रही है, और बड़ी होपफुल है पीटीआई भी और बाकी लोग भी जितने भी पिटिशनर हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही इस केस का बिड़ा गर्क हो जाएगा। ये वो टोटकों वाले हजरात हैं, नौसरबाज, जो इस टाइम का फायदा उठा के अपने लिए मैक्सिमम उस घर का किराया भी ले रहे होंगे, मुफ्त रह भी रहे होंगे उसमें, जिसमें ये सारी मीटिंगें हो रही होती हैं, बहुत बहुत कुछ लिया जा रहा होगा, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये हर दफा जब इस किस्म की क्राइसिस आती है उस वक्त इस किस्म के नौसरबाज पहुंच जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मेरे जाती जानने वाले लोग हैं, वहां पे सेहत के शोबे के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हुई हैं,
लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात मिल रही हैं। एग्रीमेंट मैंने पढ़ा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद मैंने देखे पढ़े हैं, एक कंपनी जिसने एग्रीमेंट की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत के शोबे के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर तब्दीली आई है, वो कहा यह जा रहा है जो डॉक्यूमेंट्स नून लीग तक पहुंचाए गए कि ये जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है, एक सोशल सेक्टर के अंदर काम करने वाली, इस कंपनी को ओवर एंड अबव पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, सबूत भी कुछ लाए गए वहां पर, कुछ उनके एग्रीमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ दस्तावेजात भी मैंने देखी हैं। वहां पर सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई, जहां पे तब्दीली आई है उसको आपको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मुझे अगले टॉपिक की तरफ जाना है। ठीक काम हो रहा होगा लेकिन ये पर्टिकुलर ये उससे मुतालिक नहीं है। चलिए ठीक है, अभी मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं तो जरा पैनामा केस की भी बात कर लेते हैं। आखिरी राउंड में पैनामा केस आ चुका है और आज भी समाते इंतहाई अहमियत की हामिल, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये समात ऐसी होगी जो डिसाइडिंग समात, यानी ऐसी समात जिससे कोर्ट की थॉट सामने आ सकती है, एक्सपेक्टेशन ये। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज जहां खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हवाले से डिफरेंट साजिशें कर रही है, उसी तरीके से आपस में भी बहुत चपकलिश पाई जाती है। हम चौधरी निसार साहब का तो सुन ही रहे थे कि वो वजीर आजम साहब के डिफेंस के लिए उस तरह से सामने नहीं आ रहे। चौधरी निसार साहब ही नहीं, और भी बहुत सारे MNAs भी नाराज थे, लेकिन यहाँ तीन इंपॉर्टेंट शख्सियात हुकूमत की, वो भी वुजरा सोहेल साहब, उनके बारे में भी आप कुछ एक्सक्लूसिव हैं। एग्जैक्टली निका, काफी ये इस कदर काफी रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड खबर है एक्सक्लूसिव हमारे पास, लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो समात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत अच्छे अंदाज में समात हुई और जजेज ने, ऑनरेबल जजेज ने बहुत मोहतात तरीके के साथ समात को एग्जीक्यूट किया। चूंकि कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग ये जिस तरह उन्होंने पहले से एक माहौल बना दिया था जिस किस्म के बयान देकर, तो वो ये चाहते थे कि कोर्ट की जानब से कुछ इस तरह का जल्दबाजी के अंदर कोई जेस्चर आए, कोई ऐसे रिमार्क्स आए तो उनके पास फिर कुछ ना कुछ बात करने का मौका मिले। लेकिन उस समात के बाद मुस्लिम लीग नून की टीम के पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला। बेहतर अंदाज के साथ समात आगे बढ़ रही है। आज के दिन भी देखना होगा कि जजेस किस बारीक बीनी के साथ GIT की उस रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ जब एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा केस अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं, उसके साथ साथ हम बड़ी एक शॉकिंग न्यूज आ रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कि जब आप जहां पे आप क्राइसिस में घिरे हुए हैं, और पहले बात की जा रही थी जब GIT की रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद पता चला कि चौधरी निसार अली खान ने बड़ा एक बोल्ड तरीके से दबंग स्टाइल से प्राइम मिनिस्टर को अपना मौकिफ से आगाह किया, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर उनकी ये बात पसंद नहीं आई। अगर तक प्राइम मिनिस्टर काफी बहुत पहले ही उनसे खाइफ थे, लेकिन उसके साथ वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश की। उसके अलावा लगता था कि शायद कोई और बात नहीं कर रहा इस मामले के ऊपर, बाकी सब लोग खामोश हैं और प्राइम मिनिस्टर की हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टॉप स्लॉट के तीन और वफाकी वुजरा ने भी इस मामले के ऊपर, जो मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त लाइन अडॉप्ट कर रखी है साजिश की कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है या नजर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, वो उस मौकिफ से उसकी तायद नहीं करते और उन्होंने सॉफ्ट वर्डेड अपना मैसेज भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर कुछ चीजें अब पता चली हैं जराए से कि जब GIT की रिपोर्ट सामने आई तो पहले तीन दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने दो से वो तीन वो लोग जिनके ऊपर वो गुज़श्ता एक से डेढ़ माह पहले तक इन्हिसार कर रहे थे, उनसे उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की, और उसमें से एक वजीर से GIT की रिपोर्ट आने के बाद जिसने पूरे मुल्क के अंदर हलचल पैदा कर दी थी, दो दिन तक मुलाकात भी नहीं की। मुशावरत तो दूर की बात है, ये बड़ा एक सेटबैक था। और प्राइम मिनिस्टर को वो लोग गाइड कर रहे हैं, वो लोग असिस्ट कर रहे हैं जिनका मुस्लिम लीग नून की पिछली 35-38 साल सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, या वो लोग जिनका सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त। वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी एक महारत जरूर रखते हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन पर आके मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक सेल बना हुआ है जिसको मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं, उनके उस ग्रुप कैंप में वो शामिल हैं, वो गाइड कर रहे हैं, वो असिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तीन वफाकी वुज़रा चौधरी निसार अली खान साहब के अलावा वो इस वक्त बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियार किया है और उसमें से एक वफाकी वजीर बहुत दिल गिरफ्ता भी हैं, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, कई दहाइयों का ताल्लुक है, उनके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर के जहन में यहां तक ये बात डाल दी गई है कि आपके ये वजीर विकेट की दोनों साइड पे खेल रहे हैं। ठीक, और अच्छा सोहेल साहब कतगलामी के लिए माजरत, नाम बताना चाहेंगे तीन वुजरा की आपने बात की, तीनों का नाम बताना चाहेंगे इस मौके के ऊपर? मैं दो वुजरा का भी नाम नहीं बताऊंगा चूंकि मेरे सोर्स की भी एक ये उनकी डिमांड थी। एक वजीर की हम बात कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब को हम देखें जो हमेशा एक कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक बड़ी हार्ड लाइन लेकर रखते थे, और उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की टीम ने भी
एक ऐसी स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रखी है कि वो इनडायरेक्टली मुसलसल अटैक कर रहे होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त भी कौमी सलामती के इदारों की जो हालिया दिनों के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी पिछले दिनों भी जो जितने भी उनके बयान आए हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं इदारों के। एग्जैक्टली, अब उन सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ी जो तश्वीश की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त किसी के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, ठीक है। और इन वुजरा को भी जो खदशा है वो ये कह रहे हैं कि इस बुरहान में तो जो कुछ अपनी पार्टी की नैया डूबने का तो खदशा है ही सही, लेकिन वो लोग, वो अनाड़ी लोग जिन्हें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने इस सारे मामले को, जो इक्तदार का मामला था, जिन लोगों ने इसको संभाल रखा था, वो इस वक्त पीछे हो गए। अच्छा, तो इसका आउटकम जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, इस हवाले से परेशान है और आने वाले दिनों के अंदर ये चीज हमें रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है राव साहब, ये अजीबोगरीब सी बात है। और कहा जाता है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि अगर वो किसी से एक बार उनका एतमाद हट गया तो फिर दोबारा एतमाद नहीं बहाल हो सकता उनका, चाहे वो इदारे हों या फिर वो शख्सियात हो। अब ऐसे में ऐसे लोगों से इस कड़े इम्तिहान के टाइम पर, जिस टाइम पर बड़ी सियासी बसीरत की जरूरत है, इस टाइम पर वो ऐसे लोगों से मशावरत करें जो कि सियासी मैदान में पहले ना हो, चाहे वो अपने शोबे में जितनी भी महारत रखते हो, ये सही होगा? ये देखिए, चौथी दफा है बसीरत का इम्तिहान है मियाँ साहब की, और हमें हर दफा पता चल जाता है उनकी बसीरत क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल पॉलिटिक्स को अगर आप देखें इस पर्टिकुलर केस में भी, तो जो हमारे ओवरऑल सियासत यहाँ पे होती है उसमें हमेशा तीन किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं फेंस सिटर्स, और एक होते हैं वो जिनसे आप पूछ लें तो वो आपको मशवरा दे देते हैं और अच्छा मशवरा दे देते हैं। एक वो होते हैं पाग लगे रहन ग्रुप जो होता है, जिसके मसला ही कोई नहीं, मियाँ साहब ये कर देंगे, पट्टियाँ बांध देंगे, उड़ा के रख देंगे और ये दो तीन महीने बाद लोग भूल ही जाएंगे कि पनामा भी कुछ होता था, इस किस्म की चीज़ें। तो ये हमेशा ये इस किस्म के होते हैं। लेकिन उसमें मसला क्या होता है, जब आप ऐसे लोग जो फेंस सिटर हैं या वो लोग जिनसे आप मशवरा मांगते हैं, वो आपको नेक मशवरा देते हैं, उनसे आप डिस्टेंस कब क्रिएट करते हैं, जब आप अपने इर्द गिर्द ब्रिक बाई ब्रिक दीवारें खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। आप कुछ लोग होते हैं जो जिनको आपको साथ लेके चलना होता है, जिनको आपको पता होता है, सिंसियरिटी उनकी होती है, अरसा दराज से साल साल से आप उनको जान रहे होते हैं। चौरी निसार है, जैसे इनके भाई हैं मियाँ शहबाज हैं, और बहुत से लोग हैं, या सादिक फॉर दैट मैटर, सरदार मेहताब हैं, ये पुराने लोगों में से ऐसे लोग हैं जो आपको, अगर आप बैठ के बात करेंगे, आपको कोई अच्छा मशवरा देंगे, कोई नेक मशवरा देंगे। जाफर इकबाल झगड़ा साहब है, गवर्नर है वहाँ पे, इस तरह, और जाफर इकबाल साहब है। तो ये ऐसे थोड़े बहुत लोग, ये बहुत लोग हैं जो इस किस्म का मशवरा दे सकते। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी इज्जत की खातिर थोड़ा सा जब देखते हैं खुशामदी घेरा डालना शुरू करते हैं किसी भी ओहदे पर, कोई शख्स जब आता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, वो फिर उसके अगर दीवार इतनी बना देते हैं कि उसके अंदर वो कैद होकर रह जाता है। इस्लामिक माफी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली जो मिस हो गए थे आपसे, इसके ऊपर आपका व्यू पॉइंट भी लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को इसी टीम ने एक ये मशवरा भी दिया है कि उनके पास एक ऐसा मवाद मौजूद है उस टाइप का, जिस टाइप का जब धरना हुआ था तो साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो टेप रिकॉर्ड की गई थी, और उसको बाद में मुस्लिम लीग नून के अपने, उन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान के थ्रू इस बात को ओपन भी किया, उस टाइप का वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सबूत मौजूद है जो GIT को मौजूदा जिस लेवल पर लेके आए, कुछ इदारों को इसके साथ नेक्सस है जिसकी टेप हमारे पास मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर से कहा गया आप डट के रहें, कुछ मसला नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, वो चंद ऐसे जब आप इक्तदार में होते हैं तो दरमियान में कुछ गैर सियासी शख्सियात भी रोल प्ले कर रहे होते हैं मामलात को हैंडल करने के लिए, और सियासत के अंदर गिव एंड टेक करके चीज़ों को आगे चलाना पड़ता है इदारों के दरमियान। वो लोग जो गैर सियासी थे और गुज़श्ता 2-3 साल से रोल प्ले कर रहे थे, 3 रोज़ कबल वो इस सारी सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर लंदन जा चुके हैं। चलिए ठीक है, इतना जरूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि दिसंबर गुजरने दे तो उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो भी समझ चुके हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो भी जिस तरह के बयानात पिछले दिनों में दे रहे हैं, पॉजिटिव बयानात दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनको तो समझ आ गई, लेकिन वजीर आजम साहब जिनसे मुशावरत कर रहे हैं, क्या उन लोगों को समझ आई होगी या नहीं आई होगी? जो भी एविडेंस है, जो भी चीज़ है, GIT को मुतनाज़ा बनाने के बजाय अपनी चीज़ों को जस्टिफाई किया जाए, ये बताया जाए कि कितने फेयर मीन से कहाँ कैसे मनी ट्रेल के जरिए लेकर गए थे रकम। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने पहले टॉपिक में बात की कि एक घर में, इस्लामाबाद के एक बंगलो के अंदर बैठकर तमाम की तमाम बातें हो रही हैं, तमाम की तमाम साजिशें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, तो ज़रा घर की बात करते हैं तो नैब की तरफ भी आ जाते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी तो नैब ने ही करनी आखिर, लेकिन नैब के अफसरान भी कई घरों पर कब्जा करके बैठे हुए। मुदारबा स्कैंडल था, आपको भी याद होगा, मुदारबा स्कैंडल में चीज़ें हल करने की बजाय, जो मजलूम है उनको उनका हक देने के बजाय, आप उन घरों पे कब्जा करके बैठे हो। अनिका, ये एक ऐसा कब्जा, अगर आपने किसी एक आम शहरी के घर पर कब्जा करके बैठे होते तो ये एक मुख्तलिफ नवयत का ऑफेंस होता, लेकिन एक ऐसा घर जिसको कानून के मुताबिक जो करप्शन के पैसों से बनाया गया है, करप्शन के स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजमान जो आपकी तहवील में, जिनके खिलाफ आप अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स जारी हैं,
उनकी जायदादें जो आपने अदालत को इन्फॉर्म किया कि हमने जब्त कर ली हैं, कानून नैब के रूल्स के मुताबिक उसको आपको सील करना होता है, खाली करवा के, ताकि आपके कस्टडी में रहे, और जब अदालत डिग्री करे उसको सेल करके आपने मुतासरीन को अदायगियां करनी है। सही। उन घरों के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि नैब हेडक्वार्टर और नैब रावलपिंडी के अफसरान क्याम पजीर हैं। क्यों क्याम पजीर हैं? इसलिए कि वो दो बंगले जिनकी मालियत करोड़ों रुपए की है, वो आईएट इस्लामाबाद के जो सबसे एक बेहतरीन सेक्टर है जिसका शुमार होता है, ये दोनों बंगले वहां पर वाकई हैं। ये आईएट 4 में एक बंगला है जिसका हाउस नंबर 275 है, स्ट्रीट 100 है। उसके बाद दूसरा बंगला है हाउस नंबर जिसका नंबर है 265, स्ट्रीट 62 है, आईएट 3 के अंदर वाकई है। ये दोनों बंगले मुजारबा स्कैंडल जो हुआ था मुफ्ती एहसान का, जिसका हुजम बताया गया था 22 अरब रुपए, 2012 से नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है और अब तक तकरीबन 8,000 मुतासरीन ने नैब के अंदर अपने क्लेम जमा करवाए हैं कि हम मुख्तलिफ शख्सियात ने 40 से ज़ायद शख्सियात थी मुल्क भर के अंदर, उन्होंने हमें इस्लामी सरमायाकारी के नाम के ऊपर, मुजारबा के नाम के ऊपर हमसे रकम वसूल की, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं किया, अब आपकी हिरासत में हैं, उनके असासे भी आपके हिरासत में है, तो हमें ये क्लेम, ये रकम हमें वापस कीजिए। ठीक है। इसके अलावा और बहुत से भी लोग हैं जो नैब के खौफ से या मुख्तलिफ वजूहात अदम अपनी लालमी की बुनियाद पर उन्होंने क्लेम फाइल नहीं किए। इन जो 8,000 लोगों ने क्लेम फाइल की हैं उसकी मालियत 6.5 अरब रुपए है। ओवरऑल इस स्कैंडल का हुजम जो बताया जाता है वो 23 अरब रुपए से ज़्यादा है, 40 से ज़ायद कंपनी इन्वॉल्व थी। नैब के अफसरान की आप उनकी आप एहसासे जिम्मेदारी या कानून की पासदारी का अंदाज़ा लगाइए कि नैब हेडक्वार्टर के डायरेक्टर हैं गुलाम फारूक साहब और उनके साथ और दीगर अफसरान हैं जो इन दोनों लग्जरियस बंगलों में उन्होंने क्याम पजीर हुए हैं। बाय चांस इस स्टोरी पे जब मुझे हिंट मिला जिसके ऊपर मैंने काम किया, इससे पहले कोई एक साल कबल मुझे एक यहाँ पर एक किराएदार यहाँ पर एक मेरे दोस्त के जानने वाले थे, उन्होंने ये घर किराए पर लिया हुआ था। जब नैब को पता चला कुछ अरसे बाद कि ये बंगले मुफ्ती एहसान के जो उनके नेटवर्क के लोग थे उनके उन्होंने खरीदे हुए हैं, उस पैसे से जो लोगों से उन्होंने हासिल किए थे, उन्होंने वो गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर किराएदारों से बड़ी तफ्तीश की, उन्हें बड़ा हरेसमेंट का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने उनसे कहा गया कि आप ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, उनको शामले तफ्तीश किया गया, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जान छुड़ाई जो किराए पे बैठे हैं। तो उसके बाद इनको कहा गया कि सील करेंगे, सील करने के बजाय खुद उन्होंने यहाँ पर रिहाइश रखी हुई है। इसी तरह का एक केस चंद रोज कबल नैब मुल्तान में आया, वहां पर भी एक हाउसिंग वाबडा टाउन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर नैब जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे उन्हीं की कोठियों के अंदर वहां के आईओ और दीगर अफसरान ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। राव साहब, फिर वो मुझे वजीर आजम साहब वाली बात याद आ जाती है और मुझे दुरुस्त लगती है कि अगर हर इदारे में करप्शन की तफ्तीश होने लग गई तो फिर इदारों के काम रुक जाएंगे, क्योंकि इदारों का आवेगा वही बिगड़ा हुआ है। अगर करप्शन खोलने लगे तो सारे इदारों को निकालना पड़ेगा। अब ये जो अफसरान कब्जा करके बैठे हैं, इनको पहले तो ये इनसे पूछा जाए कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, नेशनल एक्वायरमेंट ब्यूरो नहीं है कि आप किसी का घर बैठकर कब्जा करके उसके ऊपर कब्जा जमाए रखें और फिर अगले बंदे को मसले मसाइल का सामना करना पड़े। ये बिल्कुल सही बात है कि वॉचडॉग अगर जो है जिसका काम है इसको रोकना, वो खुद अगर कब्जा करके बैठ जाएगा तो वो थारा। तो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं ये नैब के कमालात के ऊपर बड़े वॉल्यूम लिखे जा सकते हैं, ये जो JIT की रिपोर्ट इससे भी 10 से भी ज़्यादा वॉल्यूम इनके जो कमालात टाइम एंड अगेन ये दिखाते रहते हैं, ये सारे इख्तियार इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इनका असल काम है वो करते नहीं। ये बिल्कुल पुलिस की तरह कह लें इनकी वर्किंग शुरू हो गई है कि एक बंदा को काबू चढ़ गया मालदार आदमी तो उसको पूरी तरह निचोड़ते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीले बहाने करके, अब मकानों पर कब्जा किया हुआ है, उसकी रिकवरी हो नहीं रही, बहुत कम रिकवरी हुई है और ये थोड़े अरसे बाद लोगों को बुला के चेक देना शुरू कर देते हैं कार्रवाई डालने के लिए, हमने रिकवरी कर ली, हमने पैसे देने शुरू कर दिए। फिर प्ली बार्गेन बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही कारकर्दगी दिखाते, प्ली बार्गेन करते हैं। प्री बार्गेन में उसका परसेंटेज है नैब की और अफसरों की, इसलिए वो उनको ज़्यादा सूट करती है। तो ये मेरा ख्याल है बेकार है इन पर बात करना भी, ये मेरा ख्याल है ये अदारा अब ख़त्म होने जा रहा है, अल्लाह करेगा इसकी जगह पे कोई बेहतर इदारा बनेगा। चलिए, और अगर जो बेहतर इदारा बने उसका भी यही हाल हो जाए तो फायदा कोई नहीं है। नहीं, हम लोगों को सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, जो हम शख्सियात के पीछे जाते हैं उसको खत्म करके, यही जो शख्सियात होती है जिनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बात कर लें या किसी और जगह की बात कर लें, फिर वो इस तरह की चीजें करती हैं जब उनको पता चल जाए कि वो सिस्टम से बालातर हो गए। ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन जरा सिंध की बात करते हैं, और सिंध में या तो एजुकेशन मसले में है या फिर हेल्थ सेक्टर मसले मसाइल में घिरा हुआ है। और एजुकेशन की जरा बात कर लेते हैं। एजुकेशन में आपने हाल देखा होगा, कराची के इम्तहान हुए, इंटर के देख लीजिए, मेट्रिक के देख लीजिए, वालिदैन तक खिड़कियों के साथ चिपके हुए थे कि किसी तरीके से बच्चों को चीटिंग करा ली जाए। फिर जरा सिंध बोर्ड की बात देख लीजिए, जरा से पैसे देकर आप सर्टिफिकेट निकल सकते हैं। ऐसे में एक ही उम्मीद बचती है, वो है HEC जो कि जरा रेगुलेट करती है। लेकिन अजीब बात यह है, ये पहले भी बात आई थी और अब भी 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन तो डिवॉल्व हो गई लेकिन HEC जो है वो वहीं बरकरार है। इसके अगेंस्ट साजिशें बड़ी हुई थी लेकिन राव साहब अब उसके पीछे भी हो गए, पड़ गए ये लोग, दरपे हैं उसके भी। ये देखिए ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं कि बंदा बस कह रहे वो सुनता जा शर्माता जा वाली कहानी बन जाती है इनकी। अब टेस्टिंग सर्विस है, HEC प्रोवाइड कर रहा है, 150 रुपये खर्च उस पर आ रहा है मैक्सिमम जो है, ठीक है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ठीक है चले, आप कहते हैं जी सूबाई मामला हो गया, HEC आप उसके थ्रू कर ले। 4 साल से आपने वो हायर एजुकेशन कमीशन प्रोविंशियल बनाया हुआ है, 3.5 साल से उसके हेड भी मुकर्रर है, ठीक है, अब तक आपने कुछ नहीं किया। अब किसी ने अचानक बताया होगा कि फ्लां टेस्टिंग सर्विस जो है ना वो NTS में रखा है कि उसके साथ आप मुआहदा कर ले, उनका को पहुंचा होगा बंदा इनके पास कि हमारे साथ मुआहदा आप करें, उनकी फीस है 1500 रुपये, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, या दो चीज़ें हैं, एक तो आप अपने टेस्ट इसलिए लेना चाहते हैं कि आप जो दाखिले अगर खुदा ना खास्ता कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खुदा ना खास्ता मेरिट पे हो रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी उससे, बहुत से लोग आपको अकोमोडेट नहीं हो पा रहे होंगे, कोई MPA के कोई और लोगों को अपने अजीज़ों अकारब वो अकोमोडेट नहीं हो रहे। दूसरे NTS में अगर आप वो उसके साथ जब आप डील करेंगे तो ऑब्वियसली अंडर द टेबल भी कुछ होगा उसमें, या किसी भी टेस्टिंग सर्विस से, नॉट NTS, किसी भी टेस्टिंग सर्विस जब आप करेंगे आउटसोर्स ही करनी है ना आपने। जब आपके पास एक इदारा मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है ऑलरेडी और उस ये सारी सर्विसेज को वो मॉनिटर कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एक्सपर्टीज है उसके पास, वो अगर कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? या तो आप अगर किसी दूसरे इदारे को लाना चाहते हैं तो फिर आप कम्पिटेटिव प्राइस पे लाएं उसको, उनको भी कहेंगे जी मुफ्त सर्विस हो रही है, 150 रुपये हार्डली कुछ ब्राय नाम फीस है कह लें आप, 150 रुपये की जो उसके लिए ली जाती है, तो आप या तो कुछ बेहतरी की सूरत कर रहे हो। 4 साल से आप अपना हायर एजुकेशन प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको आप चला नहीं सके, आपका हेड बैठा है, कुछ कर नहीं पा रहे आप। अब अचानक आपको ख्याल आ गया, यकीनन किसी ने कुछ सिफारिश की होगी, किसी से अप्रोच किया होगा, किसी ने कुछ लालच दिया होगा कि इस तरह से कर लें, इससे पैसे भी बन जाएंगे, अपने बंदे भी आप उनको दाखला वाखला भी मिल जाएगा आराम से। तो इस किस्म की ये अप्रोच, ये यही सबसे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम मेरिट के ऊपर अगर कोई काम हो रहा हो, कानून के मुताबिक चीज़ें अगर हो रही हों और ख़ासतौर पर एजुकेशन के मामले में, उसमें तो बहुत सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट जो डिज़र्व करते हैं उनको दाखिला नहीं मिलेगा तो आप क्या पैदा करेंगे आगे चल के, आगे जो उसके रिजल्ट में जो चीज़ें आगे आएंगी आपके वो तो फिर वैसे ही होंगे काबिल लायक फायक हमारे यहाँ, जैसे अब कोशिश की जा रही है लोगों को, मुख्तलिफ उहदों पर भी नामजद किया गया बहुत लायक फायक लोगों को, तो इस किस्म की फिर आपको ब्रीड मिलेगी, इस किस्म का टैलेंट आपको मिलेगा, जो मुस्तक लोग हैं वो बेचारे फिर ख्वार होते फिरेंगे। अच्छा तो असातिज़ा की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, तालिबे इल्मों की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर ओवरऑल की बात कर लें, सिंध में इसका ख्याल किसे है सुहेल साहब? निका ख्याल ना होने की वजह से ही हम देखते हैं कि कभी मैट्रिक एग्ज़ाम हो, इंटर के हों, बैचलर्स के हों, तो वहाँ पर जिस तरीके से इम्तिहानी मराकज़ के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कवानीन की और नकल का सिलसिला शुरू होता है, सिंध के अंदर ओवरऑल जो तलीमी इदारों के अंदर जो निज़ाम है मेरिट का, वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर जब ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, अगरचे के प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप अपनी हायर एजुकेशन मिशन कायम कर चुके हैं, लेकिन जो सिंध के अंदर HEC जो कायम किया गया था वो शुरू से ही बड़ा मुतनाज़िरा है, उसको भी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ किया जाता रहा है। उसकी वाज़ह मिसाल मौजूद है कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, जिनके ऊपर इस वक्त बहुत से मुकदमात हैं, जिन्हें सामना करना पड़ रहा है करप्शन से मुतल्लिक, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त वो HEC सिंध है उसके वो हेड के तौर सरबराह के तौर के ऊपर काम कर रहे थे। बेसिकली स्टिल ही इज आई थिंक उसको हटाया तो नहीं गया, उसको मतलब इस वक्त वो काम वहाँ पे अब जमानत होने के बावजूद उनको चार्ज दोबारा नहीं मिला तो गैर फाल उसे समझा जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप चाहते ये हैं कि अगर फेडरल लेवल के ऊपर HEC या कोई और ऐसा इदारा, नेशनल टेस्टिंग जो सर्विस है, अगर वो टेस्टिंग करता है उसके बाद आपको मजबूरन जितने आप सरकारी महकमों के अंदर आप भर्तियां करते हैं आपको उस महकमे के तहत आपको करवानी पड़ती है, उस टेस्ट करवाना पड़ता है और उनका जो सिस्टम है उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब तक जो यहाँ पर आया, जो वहाँ पर मैं खुद इस सिस्टम को जानता हूँ, नेशनल टेस्टिंग सर्विस सिस्टम को, वहाँ पर 99% सक्सेस रेशियो है, ट्रांसपेरेंसी का भी, मेरिट का भी। वहाँ पे आप किसी, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है,
आप ना तो उसका कोई पर्चा लीक हो सकता है और उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार को आप चाहें कि उसको ज्यादा नंबर मिल जाए और वो टॉप कर जाए, मुमकिन नहीं है। तो सिंध को तो ये पैटर्न किसी सूरत सूट नहीं करता, क्योंकि आपने सियासी बुनियादों के ऊपर आपने भर्तियां करनी है, आपने घोस्ट भर्तियां करनी है, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे लोग मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक पहुंचते हैं नकल करते हुए, उनके बाद उनका वो कैलिवर नहीं है कि वो उस टेस्ट को पास कर सकें। अच्छा खासा वो एक उस मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद आप तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने, अगर आपने नायब कासिद भी भर्ती करनी है, उनका मियार भी जांचने के लिए टेस्ट वजा किए जा चुका है पंजाब के अंदर या फेडरल लेवल के ऊपर। जो नायब कासिद किसी का टेस्ट हो रहा था, वो भी 500 रुपए की फीस उम्मीदवार से हासिल करने के बाद एनटीएस उसका टेस्ट लेता है। अगर आप सिंध के अंदर मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं कि सरकारी इदारों के अंदर कॉम्पिटेंट लोग आए, उनके इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो, तो फिर आपको ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, इसकी मुखालफत नहीं करना चाहिए। मेरिट के ऊपर लोगों की भर्ती हों और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वही आगे आने चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट लोगों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं, हर जगह कॉम्पिटेंट लोग सामने आने चाहिए। और हर जगह कॉम्पिटेंट लोगों की बात कर ले तो जरा IMF ने क्या कहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, ये ऐसा फंड है जो कि बहुत सारे ऐसे मुस्तहकीन को मदद करता है, चाहे छोटी ही रकम दे लेकिन महाना एक वजीफा है जिसकी वजह से बहुत सारी जरूरियात वो अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अब इसके अंदर IMF ने ये पॉइंट आउट किया है कि इसके अंदर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स है, यानी दाल में कुछ काला है। वो मारवी मेमन साहब तो साहिबा तो बड़ी मेहनत कर रही थी, बड़ी तगदो कर रही थी इस हवाले से, लेकिन इसके बारे में इससे भी पहले सुना था कि जो MNAs MPAs हैं उन्होंने अपने जानने वालों को भी इसका नाम जो है उनका डाटा एंट्री करवाई हुई। अनिका, हमने अपने प्रोग्राम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर दस्तावेज पर मबनी मुतअद्दिद मरतबा हमने स्टोरीज की, जिसके अंदर हमने बताया था तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग जो कि फेक थे, जो कि मुस्तहिक नहीं थे कि वो गरीब आवाम के नाम के ऊपर माली इमदाद हासिल करते, वो कई सालों तक वो माली इमदाद हासिल करते रहे, और अब आके कहा गया है कि उन्हें तकरीबन 2.5 लाख लोगों को उनके जो डाटा था वो ब्लॉक किया गया, उन्हें अब माली इमदाद नहीं दी जा रही। दूसरी जानब ये प्रोग्राम कितना इफेक्टिवली चल रहा है, और जब से ये रन हुआ है, और स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो क्लेम करती है कि हमने इसका जो इस मनसूबे के लिए जो रकम मुख्तस हमने उसको डबल किया है, मारवी मेमन साहिबा से पूछा गया कि आप बताइए कि इस मनसूबे से पीपल्स पार्टी के दौर में या उसके बाद आपने माली इमदाद में लोगों का इजाफा किया, फंड में भी इजाफा किया, नंबर ऑफ जो डिजर्विंग पीपल थे उनको इजाफा किया, गुर्बत में कितनी कमी आई है। तो मारवी मेमन साहिबा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि ये अभी सवाल मत पूछिए, अभी हमारे पास 1 साल का टाइम मौजूद है, हम मुख्तलिफ कंपनियों से सर्वे करवा रहे हैं, तो हम 1 साल के बाद बताएंगे क्या गुर्बत में कमी आई या नहीं आई। तो 1 साल के बाद आपसे सवाल कौन कर सकेगा उस तरीके से, आप तो जा रहे होंगे इलेक्शन के लिए, वो फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे, तो अगर हमारे सामने आएंगे तो हम सवाल करेंगे, कोई और जर्नलिस्ट ही करेगा, लेकिन उस वक्त आपको पहले बताना चाहिए। लेकिन उसके साथ जिस बड़े पैमाने के ऊपर बेजाबतियां वहां पर सामने आई हैं, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अपना अमला इसमें मुलविस था, उसी बुनियाद के ऊपर IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट के अंदर पॉइंट आउट किया है कि इससे लोगों को जो गुर्बत में कमी होनी थी उस तरीके से नहीं हो पा रही, जितनी रकम आपने मुख्तस की, आलमी इदारे भी आपको सपोर्ट फराहम करते रहे हैं, लेकिन उसका तरीकेकार मौसर तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसकी ट्रांसपेरेंसी उसमें लाई जाए, उसके अंदर जो आपका डाटा है उसको काउंटर चेक किया जाए कि वाकई जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हीं का डाटा आपके पास मौजूद है, और फिर रकम की जो तरसील है, जो मुंतकली है, क्या वो शफाफ तरीके से और 100% उन लोगों तक वो रकम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इसके ऊपर IMF ने इशारा दिया है। क्योंकि IMF को ये भी इसलिए भी कंसर्न है कि मुख्तलिफ आलमी इदारे भी इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के गरीब आवाम के नाम के ऊपर भारी इमदाद कर रहे हैं। उसके साथ IMF ने एक और तजवीज़ दी है जो कि नॉर्मली वजारत खजाना को हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान वजारत खजाना ने बिजली सार्फीन के लिए सब्सिडी जो है तकरीबन 60% उन्होंने कम की है, अभी भी सब्सिडी जारी है, तकरीबन 1 से 150 अरब तक सालाना गरीब आवाम को बिजली सब्सिडी बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन अब IMF का कहना है कि आलमी मार्केट के अंदर खाम तेल की कीमत में कमी हुई, फर्नासाइल की कीमत में कमी हुई, अब जिस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट आ चुकी है, अब आम लोग भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हुकूमत वजारत खजाना मुकम्मल तौर के ऊपर सब्सिडी का खात्मा करे, और ये जो 100 या 150 अरब रुपए हैं उन लोगों को टारगेट करे जो खते गुरबत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको बराह रास्त कैश की शक्ल में उनको आप अदायगियां करें, ना कि सब्सिडी के नाम के ऊपर अरबों रुपए का मिसयूज करें। लेकिन अब IMF को कौन बताए कि प्रोडक्शन लागत यकीनन कम हो चुकी है, गुज़श्ता 2 साल से 1.5 से 3 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती होनी थी एवरेज टैरिफ के अंदर, वजारत पानी बिजली ने स्टे हासिल कर रखा है, हमारे यहाँ लॉसेज बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, उसका बोझ भी आवाम पे डाला जा रहा है,
अगर ये सब्सिडी खत्म कर दी गई, बराह रास्त कैश अगर लोगों को दी भी गई, तो बहुत से ऐसे लोग जो डिजर्व करते हैं उन्हें एक्चुअल जो बिजली की लागत है उसके मुताबिक चार्ज किया जाए। गवर्नमेंट पहले ही उनसे इजाफी वसूली कर रही है, तो बहुत बर्डन बढ़ जाएगा ना सिर्फ घरेलू साफिन के लिए बल्कि सनती और कमर्शियल साफिन के लिए भी। सही है, जरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं रावसा दोबारा। वो IMF ने जो कहा है, ये बात हमें बड़े अरसे से पता थी कि बहुत सारे ऐसे फेक लोगों को डाटा में डाला हुआ है जो कि एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। लेकिन मुझे ईदी साहब की एक बात याद आती है, उनके इदारे में जगह जगह पर लिखा हुआ था कि मछली देने की बजाय या मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाओ, यानी रोजगार दो बजाय किए कि भिखारी बनाओ। ये तो एक माइंडसेट भी चेंज कर रहा है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। क्या यही प्रोग्राम, चलिए एक अच्छा प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर शफाफियत हो तो बहुत सारे और लोगों को मदद नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अगर आप IMF की रिपोर्ट पूरी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खौफनाक सिचुएशन है ओवरऑल इकोनॉमी की। ये तो एक बहुत माइनर सा हिस्सा है उसका। उन्होंने 10 मेजर जो आपके महाज जिसको कह लें आप, उस पर आपकी नाकामी का कहा है कि बुरी तरह से आप नाकाम हो चुके हैं और आप बिल्कुल डूबने जा रहे हैं, आप बुहरान में हैं, मुआशी बुहरान का शिकार हैं, आप दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और आप बेहतर करने को तैयार नहीं है। उसमें तालीम, सेहत, तवानाई, गुरबत का खात्मा, मुआशी असलाहत, एहतसाब इदारों के दरमियान जो रिपोर्टिंग टाइमली रिपोर्टिंग वगैरह का होता है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे उन्होंने बड़ा अरसा बड़ा यानी इंटरेस्टिंग किया, हम करते रहे ये बातें बहुत अरसा से कर रहे हैं। उन्होंने कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर लाखों अरबों रुपए ले चुके हैं, डॉलर्स ले चुके हैं, लेकिन शौक से लेते हैं और बहुत जल्दी हम जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का इनको कहते हैं कि ये इसके लिए इतने मिलियन ले लो, फॉर हाँ ज़बरदस्त दे दें हमें, दे दे फ़ौरन दे दे कहता, लेकिन एक रत्ती का काम इन्होंने नहीं किया। सबसे ज़्यादा फंडिंग इसने इन्होंने उस पर लिया। उन्होंने कहा जी कर्ज लेके आप जो निज़ाम चला रहे हैं वो इस नहज पे अब पहुंच चुका है कि अगर अब भी आपने इसको ना रोका, डाउन स्लाइड ना रोकी, आपने ना रोकने की कोशिश की, बहुत थोड़े अरसे में आप बहुत शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे जो डेंजरस प्रेडिक्शन उन्होंने की है, गुरबत तो बढ़ी रही है, उन्होंने कल भी मैंने जिक्र किया था रूरल एरिया में उन्होंने कहा जी तकरीबन 35% गुरबत में इजाफा हो गया। सबसे डेंजरस उन्होंने ये कहा है कि आपके पास जब पैसे नहीं होंगे तो आप वॉर ऑन टेरर के ऊपर उस तरह से आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकेंगे, तो वो जब उसकी एक किसी वक्त वो इरप्ट करती है दोबारा या किसी थोड़ी बहुत भी चलती है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इतना डेंजरस सिनेरियो उन्होंने ओवरऑल पेंट किया। ये बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो बहुत ही पीछे रह जाता है, हमें तो अब बहुत बड़े पैमाने पर इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये जितना झूठ बोल चुके हैं अब तक, जितना झूठ बोल चुके हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट लिख रहा है एग ऑन द फेस ऑफ IMF, ये IMF भी झूठ बोलता रहा इनके साथ मिलके तो चलाने के लिए, चलो शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, दे दो पैसे। तो अब ये अब वो खुद तारीफें करते थे अपनी पॉलिसीज की, अपनी कारकर्दगी की, आप G20 की बात करते थे ना, G100 में भी नहीं रहेंगे आप G20 की बात कर रहे हैं। आपकी जो मुआशी सूरत हाल है, आप पूरी रिपोर्ट तो पढ़े, क्या उन्होंने एक एक चीज को पोस्टमार्टम करके रख दिया आपकी, क्या 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 आपकी काम अगर मुश्किल थे तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म तो आपके इख्तियार में थी ना, आप कर देती कौम के ऊपर, मुल्क की मौशियत के ऊपर आपका बड़ा एहसान होता। मजाक उड़ाया स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे, उन्होंने कहा ये भाग के आते हैं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है इनको, हाँ जल्दी जल्दी पैसे दो, क्योंकि उसमें कोई गिनती नहीं होती ना, हमने ट्रेनिंग की, हमने वर्कशॉप की, हमने ये किया, हमने कंप्यूटर खरीद लिए, 10 मिलियन लगाएंगे, 100 मिलियन खा जाएंगे, उसमें से किसी को पता भी नहीं चलेगा, होता कुछ भी नहीं। वो कहते हैं एक जीरो प्रोग्रेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, 10-15-20 साल से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही है। सही है, ठीक है। इस बारे में अब यही हो सकता है कि जो दावे किए गए थे वो दावे पूरे नहीं हुए, वो जो एडवर्टाइज किया जाता था कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर हो रही है, अगर वो वाकई में एक तरफ IMF पहले कुछ और कहता था अब कुछ और कहता है, यानी IMF से भी सवाल पूछा जाए कि ये सडन शिफ्ट क्यों आया, फिर इसहाक डार साहब से भी सवाल किया जाए कि आखिर वो जो बातें करते थे वो IMF उसकी तरदीद क्यों कर रहा है, और अगर गलत तरदीद कर रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो उसी हवाले से बात करते हैं, जरा डैम्स की बात कर लेते हैं। डैम्स में कितनी डेवलपमेंट हुई हमारे यहाँ, डैम जो बनना शुरू होता है जो वाकई में फ्यूचर में आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान के काम आएगा, उस हवाले से कोई काम नहीं होता। बलूचिस्तान के डैम के बारे में बात कर लेते हैं। ये 5 साल गुजर गए, एक डैम बनाने की कोशिश थी, वो अभी तक डैम नहीं बना। वो 100 डैम प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, वो 100 डैम प्रोजेक्ट तो चलिए ठीक चल रहा है, आगे उसके कई डैम्स बन भी गए हैं, लेकिन इसमें क्या मसला हुआ? यानी कि एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया बन चुका है कि वो ऐसे मनसूबे जो हमारे मुल्क की मौशियत के लिए और उसके साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक
उनकी नेचर के मंसूबे हैं, लेकिन वो कई सालों से हमारी इदारों की मुख्तलिफ अफसरान की मुजरिमाना गफलत की वजह से तखीर का शिकार हैं, और तखीर का शिकार होने की वजह से जो उनसे फ़ायदा मिलना था ना सिर्फ उसका नुकसान हो रहा है बल्कि उनकी लागत के अंदर डबल 2, 3, 4 से 5 टाइम तक इजाफा हो चुका है, लेकिन हम उसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मुतअद्दिद मरतबा हमने ऐसी स्टोरीज़ की हैं कि बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं जिनकी वजह से कौमी वसाइल का ज़िया हो रहा है। उसके अंदर एक और मंसूबा भी अब सामने आया है, बलूचिस्तान के अंदर नौलांग डैम तमीर होना था। ये मंसूबा 2012 में CDWP से अप्रूव हुआ, एक्निक से अप्रूव हुआ, और उसके बाद इस मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए भी जारी कर दिए गए कि ताकि इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो सके। मजबूरी मालियत इस मंसूबे की जो इसकी तमीरी लागत थी वो 18 अरब रुपए थी। सही। और इसके फवायद क्या थे? बलूचिस्तान का जिस तरह अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में किया कि ज़राअत के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबे है, और ज़राअत के लिहाज से वहाँ बहुत पोटेंशियल है। मसला क्या है वहाँ पर कि वहाँ के पास आपके पास पानी नहीं है, ज़राअत के लिए पानी नहीं है, नहरी निज़ाम नहीं है। तो झल मक्सी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी 47,000 एकड़ अराजी को इस डैम से सिराब होना था, और दुनिया भर के अंदर जो इस किस्म के डैम होते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं होते वो मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर बआसानी तामीर किए जाते हैं। ये कोई मतलब यानी एक भाषा डैम नहीं है जिसके ऊपर 8 से 9 साल लगेंगे, ये आसानी से तमीर होना था। पैसे भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद अब ये इंकशाफ हुआ कि अभी तक उस मंसूबे का काम का तमीर का काम का आगाज नहीं हो सका। वजह क्या बताई गई है? वजह यह बताई गई कि 2 अरब रुपए तो हमें जारी कर दिए गए थे इसकी तमीर के लिए, वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की ने मजीद इंस्ट्रक्शन ये दी थी वापडा को कि आप आलमी मुख्तलिफ मालियाती इदारों से जाके इसके लिए फंडिंग का इंतजाम करें, फंडिंग का इंतजाम नहीं हो पा रहा। वफाकी हुकूमत की भी मतलब इनकी भी अफरीन है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की भी अफरीन है, बेशुमार ऐसे ऐसे मनसूबे जिनके लिए आपने एक एक दिन के अंदर वजारत मनसूबा बंदी तरक्की ने 25 अरब 30 अरब एक एक दिन के अंदर जारी किए हैं, मेट्रो और बेशुमार मनसूबे हैं बना रहे हैं 18 अरब रुपए की एक मामूली रकम अगर इस ऐसे मनसूबों से कंपेयर करें, हम वो उसको अदा नहीं कर सकते, और दुनिया के अंदर हम घूमते फिर रहे हैं कि हमें कोई देने को तैयार नहीं है। अब बिलाखिर क्या किया वजारत मनसूबा बंदी तरक्की ने, इतना बहुत अहमियत का ये मनसूबा है ज़राअत के लिहाज से भी और बलूचिस्तान के महरूमियों से 2-4 लोगों के माली उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिहाज से भी कि आप इसको मुकम्मल करते। 2 अरब जारी है तो उसमें से 80 करोड़ पे वहां से उसके डिडक्शन कर ली गई है, वो कच्चे कनाल मंसूबे के लिए मुंतकिल कर दी गई है, बाकी रकम वजारत मनसूबा बंदी ने तरक्की ने वापस मांग ली है, और मनसूबे के ऊपर काम 0 को 0। अब बताया गया कि वो मनसूबा जो 18 अरब रुपए में 2016 में मुकम्मल हो जाना था उसकी लागत में 26 अरब रुपए तक बढ़ चुकी है, ठीक है, और अभी तक कोई उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे कि इसकी तमीर का काम कब शुरू होगा। हमारी इन इकतदार के ईवानों में बैठे हुए हुक्मरानों से गुजारिश है कि खुदार के लिए आप एक छोटा सा एक तहकीकाती इदारा या इदारा या कमीशन बना दें। पाकिस्तान के अंदर हमारे पानी बिजली और डैम के मंसूबे सिर्फ हैं 10 से 12 ऐसे मनसूबे हैं जो कई सालों की तखीर का शिकार हैं, और हमें अब तक 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है सिर्फ उनकी तखीर में, उनकी लागत बढ़ने की वजह से और उनसे बेनिफिट न मिलने की वजह से मुल्की मौशियत को इनडायरेक्टली अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और यह सिलसिला रुकना चाहिए, ये बहुत कौमी वसाइल का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ज़िया हो रहा है। ज़िया तो बड़े अरसे से हो रहा है राव साहब, और मसला ये है कि डैम्स कितनी, वो एक बात की जाती है कि पानी जो आता है डैम मेट यानी उसको डैम बना दिया जाए और वो यानी किसी भी तरीके से इसके ऊपर काम करना अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नागुजीर है, लेकिन ये हुक्मरानों को कौन बताए? ये तो कह देते थे ख्वाजा आसिफ साहब कि पानी की किल्लत हो सकती है आने वाले वक्तों के अंदर, दुआ करें बारिश हो जाए, लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि डैम्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ ज़रई ज़मीन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें। एक तो ओवरऑल जो पानी का इशू है ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए, फिर उसके बाद आप बलूचिस्तान की अगर बात करें, बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी शुरू से ही, लेकिन नहीं दी गई। अब ये अगर हो रहा है इसके ऊपर फिर लेतोलाल से काम लिया जा रहा है, अब फिर उसको फंड रिलीज करने पे कभी बहाना बना दिया, कभी किसी चीज़ से बना दिया जाता है। हमने फूड सिक्योरिटी का इशू डिस्कस किया था और मैंने ये अर्ज़ की थी कि बलूचिस्तान आपके पूरे मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी के इशूज़ है उसको एड्रेस कर सकता है, और नो डाउट आगे चल के फूड सिक्योरिटी का इशूज़ बहुत बड़ा आने वाला है। रकबे के लिहाज से भट्टी साहब ने जैसा जिक्र किया, सबसे बड़ा सूबा है आपके, ज़मीन पड़ी है वर्जन लैंड जिसको कहते हैं वो पड़ी है आपकी इंतहाई ज़रखेज़, आपको थोड़ा सा पानी का करना है, और पानी के भी वो आपके जो फ्लैश फ्लड और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसको टैप करना है आपने, सिर्फ बंद बांध के उनको रोकना है, एक रिजर्वायर बनाना है, और उसके लिए आपने ये काम करना है। 2 फायदे होंगे बहुत बड़े, जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें बहुत सिमिलर मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बैरन लैंड
बेकार पड़ी थी। उन्होंने क्या कि फार्मर्स को दुनिया भर से उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन ले लें आप आके हमारी ज़मीनों को आबाद करें। दूसरा पानी का उनका सीरियस इशू था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है और उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली उसको टैकल किया है। हमें भी हेल्प कर रहे हैं कुछ इसी पानी के इशूज़ के ऊपर, तो ये कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ जो डेंसली पॉपुलेटेड हमारे बड़े सिटीज़ बिग सिटीज़ जो हैं उसका हल भी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। जब आप वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग देते हैं, इंडस्ट्री को फ़रोग देते हैं, तो आप पॉपुलेशन की जो माइग्रेशन है उसको आप एक्चुअली ट्रिगर करते हैं। आपकी ग्वादर अगर चलेगा तो ग्वादर में लोग जाएंगे, कराची की तरह का शहर ग्वादर बन जाएगा। अगर लेकिन आपको एक और कराची बनाने की बजाय अगर आप बाकी इलाकों में भी एग्रीकल्चर प्रमोट करें, बाकी चीज़ें प्रमोट करें, लोग वहाँ जाके एग्रीकल्चर करें, आपके बड़े शहरों पे थोड़ा सा बोझ कम होगा इस चीज़ का। बलूचिस्तान को आप बहुत बड़े अपने कह लें कि एग्रीकल्चर उसका एक बैंक के तौर पे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका फूड सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा, आपके बाकी चीज़ें जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं, कपास है, कपास का तजर्बात हो चुके हैं वहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे। आप कल भी मैंने कहा था कि जहाँ चाइना वाले पंजाब और सिंध में करने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी बनाया था बलूचिस्तान में कपास की काश्त के हवाले से, उनको उस पे भी कहना चाहिए कि वो करें वहाँ। चलिए, जब शहर बेलगाम बढ़ने लग जाते हैं तो वसाइल की किल्लत हो जाती है, वसाइल की किल्लत का हमारे पास हल है। उस हल की तरफ अगर जाना चाहे सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासी साजिशों से निकल कर अवाम की खिदमत करना चाहें तो किया जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सियासत की बात कर रहे हैं तो जरा अमरीका की तरफ रुख करते हैं और ट्रंप साहब का की बात करते हैं। किस तरीके से सियासी मैदान मारा उन्होंने एक ऐसी मंजीवी सियासतदान से, कुर्सी छीन कर अमरीका के ऊपर अमरीका के प्रेसिडेंट बने। और अजीब बात यह है कि चंद ही माह के अंदर, अभी पूरा साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, और उनकी जो मकबूलियत है उसके अंदर अच्छा खासा कमी आ गई, 36% कमी आ गई है राव साहब। देखिए, दो चीज़ें जो हुई हैं रिसेंट हिस्ट्री में जो जिनकी बुनियाद नफरत पे थी, एक ब्रेग्जिट और एक ये ट्रंप की जो हुई है, ये एक हेटर्ड की बुनियाद के ऊपर ये कंपेन चलाएगी बड़े गैर महसूस तरीके पर। अब उसका रिजल्ट आना शुरू है, वाकयात जिस किस्म के बरतानिया में हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वायलेंस शुरू हो गई है, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी लोगों को अब एहसास होना शुरू हुआ कि ये हमने बहुत बड़ा गलत कर लिया इस बुनियाद के ऊपर। क्योंकि वो तो एक आज़ाद मुल्क, उनके सारा नैरेटिव ही आज़ादी की बुनियाद पर है कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जिसमें हर किस्म का, हर लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी उसको कहा जाता है, हर तरह से लोग आके, हर मज़हब के, हर नस्ल के लोग आके वहाँ रहते हैं और अपना इंडिपेंडेंटली अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन अब वहाँ आज़ादियाँ सलब की जा रही हैं, प्रेस के हवाले से खासतौर पे, वो 100 रिपोर्टर्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी दी, तो इस किस्म की चीज़ें जब हो रही हैं तो ऑब्वियसली लोगों ने रीथिंक उसको करना था। अब देखिए, 42% थी अप्रैल में उसकी, ये 3 महीनों में 36% तक आ गया, और ऊपर से जो केस चल रहे हैं वो भी बहुत सीरियस है। इन्वेस्टिगेशन जो रशिया के हवाले से उसकी, वो बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन है। मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ इसकी मकबूलियत नीचे गिरेगी, शायद को अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ अमेरिकन हिस्ट्री में हो जाए। इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं गालिबन राव साहब, इम्पीचमेंट की तरफ तो वैसे ही बड़ी बातें हो रही थी, जो ही ट्रंप साहब आए थे उसी टाइम से बातें होने लगी थी। सोहेल साहब, क्विकली, अमरीकी सदर का जो उनके मकबूलियत गिराफ तो यकीन गिर रहा था, उन्होंने अमरीकी रवायात के बरक्स काम किया, जो उधर से उनका रवैया भी गैर संजीदा, और उसके बाद उनके पास बड़ा अच्छा एक मौका था कि दुनिया जिन हालात से दो चार थी, अदम इस्तेहकाम से दो चार थी, दहशतगर्दी से दो चार थी, अगर वहाँ पर वो संजीदगी से काविशें करते, अगर कहीं अमन कायम करते, तो यकीनन अमरीकी लोग भी इस चीज़ को पसंद करते कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो माजी के अंदर अमरीकी पॉलिसियों की वजह से वहाँ पर अमन अमान की सूरत ख़राब हुई है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते तो यकीनन उनका ग्राफ बेहतर होता। अमरीकी शहरियों के मुतल्लिक भी उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, मीडिया के हवाले से उनकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ उससे मुतल्लिक भी उनकी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं है। स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक के लोगों को अपने अमेरिका के अंदर दाखिले के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद की, तो उनका ये ग्राफ गिनना था, उन्हें कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, अदरवाइज जिस तरीके से काम चल रहा है तो यकीनन शायद उनको फिर वो इम्पीचमेंट का सामना ही ना करना पड़ जाए। ठीक है सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। राव साहब, बहुत शुक्रिया। इतना ज़रूर है कि शायद एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि जितने उन्होंने दावे किए थे, वो दीवार बनाने वाला वादा वो किधर गया, फिर वो वादा कि तमाम का तमाम बाहर का जो बिजनेस, बाहर मैन्युफैक्चरिंग चली गई है अमेरिका की, वो वापस अमेरिका लेकर आएंगे, लेकिन अपनी बेटी तक को तो वो संभाल नहीं सके। इवांका ट्रंप के अपने जो ब्रांड है उसकी तमाम की तमाम चीज़ें बाहर से बना करती हैं, तो फिर बाकी अमेरिका को कैसे संभालेंगे। खैर, अमेरिका का इंटरनल मैटर तो ज़रूर है, लेकिन इससे पूरी दुनिया डायरेक्टली अफेक्ट होती है। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।